दोस्तों यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं कैसी जानकारी जिसको जानकर आप बेहद खुश होंगे। ज़्यादातर लोगों को तो पता है, जो भी लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने गाँव में एक स्वयं सहायता समूह का गठन जरूर कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख कर चौंक जाएंगे कि सरकारी आंकड़ा क्या कहता है, कैसे लोग स्वयं सहायता समूह से ग्राम संगठन बनाते हैं। जब आपका ग्राम संगठन बन जाता है तो आप लाखों रुपए अपने समूह से कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एग्जांपल दूंगा जो चिंतपोड़ी में पंचायत डुहल भंडवाला की पहल है, जहां 8 स्वयं सहायता समूहों को चलाने के लिए कार्यकारी महिला ग्राम संगठन का गठन किया गया है। तो दोस्तों निवेदन करता हूं इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप बड़े आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों हिमाचल के ऊना जिले की चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डुहल भंटवाला में सोमवार को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बैठक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ब्लॉक अम्ब से राधा ठाकुर की अगुवाई में हुई, जिसमें ग्राम पंचायत के 8 स्वयं सहायता समूह के ऊपर एक महिला ग्राम संगठन का गठन किया गया है, जिसमें प्रधान सचिव उप प्रधान भी मौजूद थे। कार्यकारिणी के गठन के दौरान ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव और सभी वार्ड के मेंबर भी उपस्थित थे। स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना एक मुख्य उद्देश्य है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी राज्यों में भी ये चीज़ की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी अनुमूलन परियोजना है। योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने और गरीब ग्रामीणों के संगठन पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के पीछे का विचार गरीबों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के योग्य बनाना है। दोस्तों स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस मौके पर ब्लॉक अम्ब से राधा ठाकुर ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी दी और बताया कि स्वयं सहायता समूह से सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें महिलाएँ कई तरह के स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो सरकार चाहती है किस तरीके से आपके गांव में एक स्वयं सहायता ही नहीं बल्कि एक ग्राम संगठन का निर्माण हो, ताकि उस ग्राम संगठन को देखते हुए आपके विकास मंत्रालय की तरफ से काफ़ी फंडिंग हो और उस फंड के द्वारा आप आत्मनिर्भर बने, ताकि आप अपने आसपास गांव में ज़्यादातर लोगों को रोज़गार दे सकें। दोस्तों मैंने आपको बताया किस तरीके से स्वयं सहायता समूह एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िए अगर आप गरीब हैं या फिर आप गाँव में रहते हैं, क्योंकि गाँव में रह के आप बहुत सारे रोज़गार कर सकते हैं, जो रोज़गार करने के लिए सरकार आपको बेहद कम ब्याज दर पर लोन भी देती है। उससे डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़े स्तर पर देखेंगे तो जितने भी बड़े वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन हैं वो लोग लोन से नहीं डरते हैं, पैसे लेते हैं लेकिन समय पर उसको वापस भी करते हैं। तो दोस्तों एक स्वयं सहायता समूह बनाइए, और जैसे आपका स्वयं सहायता समूह ज़्यादा दिन का हो जाएगा, ठीक ठाक काम करेगा, यकीनन आपके स्वयं सहायता समूह में मेंबर बढ़ेंगे, बढ़ने के बावजूद आपका स्वयं सहायता समूह एक ग्राम संगठन का रूप ले लेगा। जब ग्राम संगठन का रूप ले लेगा तो यकीनन आपको लाखों में आमदनी होगी। निवेदन करते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।